तुम चलाते रह गए पत्थर, हमने हटा दिया 370, है कि नहीं। अब पाकिस्तान को, पाकिस्तान कहते रह गया कश्मीर हमारा है। एक समय था जब पाकिस्तान के लोग कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे सर, अब कहता है पाकिस्तान जिंदा भाग, भाग जो तुम जिंदा भाग जो, जिंदाबाद नहीं जिंदा भाग। समझ रहा है कि नहीं रहा। भागे कहीं भागेगा, उसको दौड़ाने के लिए कौन, 370 से अपना वाला तो हम सिक्योर कर लिए, अब किधर हाथ पर फैलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग नहीं ला पाएंगे, ये लोग जो जिनको लगता है ना कि हम नहीं ला पाएंगे, ये वही लोग हैं जो जिनको मतलब गांवों में जिंदगी नहीं बिताया। अरे गांव में तो लोग चिपरी पात के दूसर का दीवाल कब जिया लेता है, गाय का गोबर होता है आपनों के लोग नहीं समझा, जो जिसके खेत में हमारे भैंस का खूंटा ठोका गया खेत हमारे, ओकरे बाद उस ससुर के जाते रहे सीआरपीसी में 20 साल मुकदमा लड़े। नहीं समझ में, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ लोगों को ये भी लगता था कि 370 नहीं हट सकता। समझ में आ गया कि नहीं, सब लगने लगेगा एक बार भारत क्या है। समझ में आ गया कि नहीं, भारत जब आजाद हुआ था ना तो 552 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े थे सब, कितने टुकड़े थे 500 में, सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन, सरदार पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत के 552 छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाइए। बिहार में देखिएगा, मुजफ्फरपुर का राजा अलग था, हथुआ का राजा अलग था, दरभंगा के राजा अलग थे, जगदीशपुर के कुंवर सिंह अलग थे, बेगम हजरत महल का लखनऊ अलग था, अवध अलग था, दिल्ली किसी और का, मेवाड़ किसी और का, भारत कहाँ गया, बिखरा हुआ था एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो उसको एकदम भारत ऐसे ना बुनिया बुनिया में बिखरा हुआ था, सरदार पटेल उसको लड्डू बना दिए। समझे, तो हम लोग कैसे भे बूंदिया में तैसे अब पकड़ के मार सरदार पटेल बना दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब लेकिन गलती हो गया, लड्डू छोट बन गया, दो चार को साइड वाला लड्डू को मिला के। हाँ, तो सरदार पटेल को बड़ी दिक्कत हो रहा था, ये 552 कहता था हम ना मिलतो ना मिलेंगे, तो सरदार पटेल क्या कहें कि मिल जाइए, क्या दिक्कत है, जब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो हट जाइएगा, कहा कोई बात नहीं, तब साइन कर लेते हैं। सरदार पटेल ने यूनियन पे साइन करा लिया। अरे नहीं तो यूनियन पे साइन किया, निकलेगा कैसे अभी से, यूनियन का मतलब ये तो आप नहीं जा सकते हैं, यूनियन से अगर कोई राज्य निकलना चाहता है तो केंद्र सरकार सेना लगा देगी। क्या बिहार में उतनी सेना लगी रहती है, नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में RR राष्ट्रीय राइफल, RR का नाम सुनते आतंकवादियों का हालत खराब हो जाता है। आतंकवादों से लड़ने के लिए एक SF पैरा SF स्पेशल फोर्सेज और एक राष्ट्रीय राइफल RR। समझ में आ गया कि नहीं, बड़ी मारता है ऐसे दौड़ा दौड़ा, एक्सपीरियंस हो गया ऐसे RR का, 10 साल ड्यूटी लगती है ना कश्मीर में, तब जाके आपको भेजा जाता है RR में, जाइए वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी में सबसे आगे रहते हैं RR। तो बड़ी दिक्कत था सरदार पटेल को, दिमाग लगाए कि नहीं लगाए, साइन कराने के टाइम करवा लिए कौन चीपे। इससे ये सीख मिलता है कि साइन करते समय सावधानी रखनी चाहिए। नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सरदार पटेल चूना लगा दिया यहाँ पे। समझ में आ गया, अच्छा किए। अब जम्मू कश्मीर बड़ा है, दूर भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है, अगर मुख्यमंत्री बना देंगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री लोग कम अत्याचार करके रखा है लोग, यहाँ पे कुछ बोल देते थे लोग यहाँ पे। एक वहां का नेता था, कहता था कि भारत कभी भी POK को मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस नहीं मिला सकता है, अगर ताकत है तो आजादी से 70 साल हो गए क्यों नहीं मिला पाया। समझ में आ गया कि नहीं। और ने तो वो कहा कि पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं है जो कश्मीर को वापस ले जा सकता है, हिम्मत है तो क्यों नहीं ले गया, 70 साल हो गए अब तक। समझ में आ गया कि नहीं। दोनों कहता है कि हम कश्मीर को अलग करेंगे, अरे ससुरा तो तुम अलग कर सकते थे तो तुम का नहीं कर दिया आज तक 1970। नहीं समझ में गया, कश्मीर को ले जाएंगे ये लोग यहाँ पर, कश्मीर क्या हो गया यूनियन टेरिटरी। अब मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं है, पुलिस उनके अंडर में है नहीं, अब ज्यादा बैठेंगे तो पुलिस चार यहाँ पे दे रहे, ट्रांसफर तो कर ही ना पाएंगे, यहाँ पकड़ के उन्हीं को लेके चल जाएगा जेल में। समझ में आ गया किस पे, रिमांड पे। रिमांड पे जाने के बाद सबको डर रहता है किस चीज का, गाली पड़ दो
कुछ भी हो सकता है पुलिस रिमांड पर।